स्मार्ट टेलीकॉम आपका अपना चैनल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वीवो V9 जो मोबाइल है दोस्तों, जिसके अंदर क्वालकॉम का CPU लगा है, उसे किस तरह से उसका पैटर्न रिमूव करना है, उसका FRP रिमूव करना है, यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और बिल्कुल भी ना स्किप करें। तो सबसे पहले हमें इसके ideal पॉइंट को दोनों को शॉर्ट करना है ताकि USB ड्राइवर से कनेक्ट हो जाए। इसके लिए आपको मोबाइल को ओपन करके शॉर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम UMT डोंगल जो है UMC क्यूसीफायर उसे ओपन कर लेंगे। UMT डोंगल से हम रिमूव करेंगे। देखिए डिवाइस मैनेजर में जाके हम देखते हैं हमारा मोबाइल कनेक्ट होता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्वालकॉम 9008 वाला पोर्ट बनाएगा। तो आज UMT डोंगल से हम इसे रिमूव करने वाले। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008। उसके बाद तो हमें यहाँ पर फॉर्मेट FS पे क्लिक करना है। बस जैसे हम फॉर्मेट FS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपका जो पैटर्न लगा है, जो भी पासवर्ड लगा है, ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर FRP जो गूगल अकाउंट होता है वैसे ही रहेगा। तो जैसे ही ये रिमूव होता है, इसके बाद हम फिर से क्यूसीफायर को ओपन करेंगे, मोबाइल को निकाल कर लगाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसे होने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है फॉर्मेट FS हो रहा है। देखिए डाटा प्रिपेयरिंग डाटा बता रहा है, मैंने मोबाइल के अंदर जो भी पासवर्ड लगाया है, पैटर्न लगाया है, वो सारा रिमूव कर देगा। ये देखिए फॉर्मेटिंग हो रहा है डाटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए डन करके बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर से आपको जस्ट पैटर्न रिमूव करना है तो फॉर्मेट FS कर सकते हैं, उसके बाद में आप GMAIL ID डाल के आपका मोबाइल ऑन हो सकता है। लेकिन अगर आपको GMAIL ID भी याद नहीं है, कस्टमर को GMAIL ID और पासवर्ड दोनों याद नहीं है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आपको मोबाइल को निकाल के लगाना होगा। लगाने के बाद ये देखिए, लगाने के बाद रीसेट FRP करना है और यहाँ पर ओके दे देना है। सो यहाँ पर ओके कर देना है बस। देखिए ओके करने के बाद में दोस्तों अपने मोबाइल को वापस से कनेक्ट कर देना है कंप्यूटर से। जैसे आप कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर ये रीसेट FRP स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये FRP को रीसेट कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमारे चैनल को ग्रो करने में। और भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपको यहाँ पर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों ये UMT का क्यूसीफायर एक सपोर्ट है, इसके अंदर आपको रीड एंड टूल में जाना है और यहाँ पर जेनरिक क्वालकॉम ही रखना है। बस ऑल मोबाइल क्वालकॉम के यहाँ हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए हो चुका है। चलिए